hello guys welcome back to literature classes this is abhilasha this is a literature class but i am not going to discuss literature i am going to discuss english grammar topic that is preposition in which i have already uploaded 3 videos in this video also i am going to discuss preposition the rest of the preposition like use of till until in front of around round and so on but guys one thing more i want to tell you that i am going to make this video in hindi so that all viewers can understand easily because it is a request of all viewers that please ma'am make the video in hindi so that we can understand easily so uh, and this is a good thing because uh, um, our uh, mother tongue is hindi so all uh, can understand in hindi so आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स बिगिन द टिकूज ऑफ टिल एंटिल टिल और एंटिल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है टिल और एंटिल का यूज़ टाइमिंग के लिए किया जाता है टाइमिंग मतलब टाइम जब एंड होता है कैसे एंड होता है टिल मतलब टिल का हिंदी में मतलब क्या होता है तक टिल एंड until का मतलब हिंदी में सेम है तक मतलब उस समय तक समय के साथ या समय तक कैसे इस जो ये टिल है इसका इसका जब यूज़ करते हैं तो हम पहले फ्रॉम भी लगाते हैं लाइक like, मैंने बोला शिक्षक क्लास में सात से नौ बजे तक पढ़ाते हैं नौ बजे तक पढ़ाते हैं द टीचर टीचेस इन द क्लास फ्रॉम सेवन ओ क्लॉक टिल नाइन ओ क्लॉक और सेवन ए एम टिल नाइन ए एम ओके सो देखिए यहां पर द टीचर टीचर्स इन द क्लास फ्रॉम आई टोल्ड यू कि यहां पर फ्राम लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे फ्राम लगाएंगे टाइम को लिखने के लिए और लास्ट का टाइम लिखने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर टीचर्स इन द क्लास फ्रॉम सेवन ओ क्लॉक अन टिल नाइन ओ क्लॉक ओके जैसे मैंने कहा कि माता जी नौ बजे तक रामायण पढ़ती हैं तो मदर रीड्स रामायण फ्रॉम नाइन ए एम 10 टेन ए एम मतलब नौ से दस बजे तक माता जी रामायण पढ़ती हैं जैसे मैंने बोला वह मेरे घर पे अगले रविवार तक रुकेगी वह मेरे घर पे अगले रविवार तक रुकेगी अगले रविवार तक नेक्स्ट संडे अंटिल नेक्स्ट संडे या टिल नेक्स्ट संडे टिल एंडिल दोनों का यूज ऑलमोस्ट सेम होता है शी विल स्टे एट माई हाउस नेक्स्ट संडे ठीक है जैसे बोला जाए कि मोहन घर कल तक वापस आएगा मोहन कल तक घर वापस आएगा कल तक टोरो और अंटिल टूमो मोहन वेलकम बैक टू दाउसोर एंडिल का यूज आपको समझ आया होगा नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने जस्ट सामने जस्ट सामने मतलब उसके आसपास कुछ भी नहीं होगा जस्ट सामने ठीक है इन फ्रंट ऑफ का यूज़ बिफोर के सेंस में भी होता है किस में होता है बिफोर के सेंस में जैसे वह मेरे सामने खड़ा है वह मेरे सामने खड़ा है सामने जस्ट सामने अब इसके आसपास कुछ नहीं होगा मतलब उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने जस्ट सामने अब देखिए नीता मेरे घर के सामने रहती है आप लोग भी इसको इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे बहुत सिंपल है ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे ट्रांसलेशन के भी मैंने वीडियोज डाले हैं आप उसको भी देखिए उससे आपको ट्रांसलेशन समझ आएगा नीता मेरे घर के सामने रहती है तो इसको कैसे बनाएंगे नीता आप लोग भी कोशिश करिए बनाने का ता lives in front of my house. ठीक है नीता लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस नीता मेरे घर के सामने रहती है तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने जस्ट सामने मेरा स्कूल विद्यालय या मंदिर के सामने है मेरा स्कूल या विद्यालय मंदिर के सामने है मंदिर के ठीक सामने है ठीक है तो इसको कैसे बनाएंगे ट्राई करिए इसको कैसे बनाते हैं देखिए कैसे बनाएंगे माई स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल माई स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल मेरा स्कूल मंदिर के सामने है प्रिपोजिशन क्या लग गया इन फ्रंट ऑफ मंदिर के सामने सामने के लिए क्या बोला हम ऐसे भी कह सकते हैं माई स्कूल इज बिफोर द टेम्पल बिफोर का मतलब भी होता है सामने नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ अराउंड एंड राउंड अराउंड का मतलब क्या होता है अराउंड का मतलब होता है बाहर से चारों ओर जहाँ तहाँ जहाँ वहाँ यहाँ वहाँ बहुत स्थानों में या विभिन्न भागों में कुछ भी हम कह सकते हैं इसका हिंदी में मतलब ये होता है अराउंड या राउंड अराउंड और राउंड का में थोड़ा सा डिफरेंस है अराउंड का यूज़ कहाँ होगा और राउंड का यूज़ कहाँ होता है देखिए अराउंड का यूज़ जैसे हमने कह दिया यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कुछ काम करो यहाँ वहाँ टहलना बंद करो यहाँ वहाँ टहलना का मतलब क्या है यहाँ वहाँ का इंग्लिश क्या होगी अराउंड अराउंड का यूज हम लोग देख रहे हैं यहाँ वहाँ टहलना बंद करो स्टॉप वॉकिंग अराउंड यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कुछ काम करो एंड डू सम वर्क स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड डू सम वर्क यहाँ वहाँ तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ वहाँ देखिए मैंने आपके लिए ट्रांसलेशन छोड़े हैं मतलब सेंटेंसेस छोड़ दिए हैं ताकि आप भी इसको प्रयास कर सके इसको ट्राई कर सके तभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब आपकी इसकी खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो खिलाड़ी मैदान में चारों तरफ खड़े थे अब यहाँ पे यहाँ वाहन है यहाँ पे क्या लिखा है? चारों तरफ तो चारों तरफ के लिए भी हम क्या लगाएंगे अराउंड का यूज करेंगे कैसे देखिए खिलाड़ी द प्लेयर्स द players were standing in front of sorry sorry around the field okay the players were standing around the field charo taraf खड़े थे नेक्स्ट देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। अब ये राउंड ओर का, मतलब का क्या मतलब है राउंड अराउंड का मतलब होता है इधर उधर यहां वहां एटसेट्रा ठीक है तो कैसे हम बनाएंगे ये तो आपको ही पता होगा ये सेंटेंस द अर्थ मूव्स राउंड द सन चारों तरफ चारों ओर सॉरी चारों ओर घूमती है तो अर्थ मूव्स राउंड द सन नेक्स्ट सेंटेंस है घर के सभी सदस्य मेज के चारों ओर बैठे हुए थे दोस्तों इसको ट्राई करिए कैसे बनाते हैं इसको देखिए घर के सभी सदस्य ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली कैसे बनाएंगे ऑल द मेंबर्स Of the family were sitting round the table, round the table. ठीक है तो ये क्या है ऑल द of ऑफ द फैमिली sitting राउंड द टेबल चारों ओर बैठे हुए थे तो राउंड का और अराउंड का यूज आपको समझ आया होगा आई होप नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट है अराउंड का यूज़ हम अबाउट के सेंस में करते हैं अबाउट के सेंस में कैसे करते हैं अराउंड मीन्स लगभग अबाउट मीन्स भी लगभग होता है तो कैसे यूज करेंगे देखिए सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में लगभग बीस कर्मचारी हैं मेरे ऑफिस में लगभग बीस कर्मचारी हैं देयर आर अराउंड ट्वेंटी वर्कर्स इन माई ऑफिस सो ये क्या है अराउंड मतलब लगभग अबाउट भी कह सकते हैं आप ठीक है नेक्स्ट है मेरे पास लगभग दो हजार रुपए हैं आप इसको बना सकते हैं बहुत सिंपल सेंटेंस है ईजी है ट्राई करिए बनाने का आई हैव अराउंड टू थाउजेंड रुपीस गॉड डेट समझ आ गया होगा मेरे पास लगभग दो हजार रुपए हैं आई हैव अराउंड टू थाउजेंड रुपीज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी सेंटेंस सो गाइज दिस वॉज द यूज ऑफ अराउंड एंड अराउंड नाउ विल सी यूज ऑफ अमिड एंड अमित देखिए कैसे यूज करते हैं अमिड और अमिट्स का बेसिकली जो अमिड amid और अमिट्स का यूज़ करते हैं हम लोग वो प्लेस के लिए यूज़ करते हैं ठीक है अमिड और अमिट्स का यूज़ किस लिए किया है प्लेस को डिनोट करने के लिए प्लेस के अर्थ में इसको अमिड और अमिट्स का यूज़ करते हैं इन द मिडल ऑफ के सेंस में ठीक है अमिड और अमिट्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ बीच में ठीक है बट इसका यूज किस किस सेंस में होता है प्लेस के सेंस में देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझिए एक छोटी लड़की बंदरों के बीच में बैठी हुई थी एक छोटी लड़की बंदरों के बीच में बैठी है तो के बीच में का मतलब क्या है अमिड और अमिट्स देखिए कैसे सेंटेंस बनाइए आ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की आ लिटिल गर्ल चाइल्ड वॉज सिटिंग बैठी हुई अमिट्स द मंकीज वी कैन ऑल्सो से आ लिटिल गर्ल चाइल्ड वॉज सिटिंग अमिट द मंकीज अमिट द मंकीज और अमिट्स द मंकीज नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग बनाएंगे अस्पताल के बीच एक छोटा सा घर था ट्राई करिए बनाने का अस्पताल के बीच क्या है एक छोटा सा घर था देर वॉज अ हाउस इन सॉरी देर वॉज अ हाउस अमिट्स द हॉस्पिटल्स कैसे बनाएंगे देअर Was a house amidst the hospital? There was a house amidst the hospital. Where is the sentence? Next sentence dekh lijiye एक बीमार व्यक्ति डॉक्टरों के बीच बैठा था एक बीमार व्यक्ति कहां बैठा है डॉक्टरों के बीच बैठा है ट्राई करिए सेंटेंस कैसे बनेगा ये एक बीमार व्यक्ति तो अ डिसीज मैन क्या लिखेंगे अ डिसीज मैन वॉज सिटिंग अमिट और अमिट्स कुछ भी कह सकते हैं अमिट और अमिट्स द डॉक्टर्स ठीक है अमिट द डॉक्टर्स आई होप आपको समझ आ गया होगा देखिए यूज ऑफ अप नेक्स्ट है यूज ऑफ अप एंड डाउन यूज ऑफ अप एंड डाउन मतलब अप और डाउन जो प्रिपोजिशन है उसका हम कैसे यूज करते हैं अप एंड डाउन का मतलब है अप का मतलब होता है ऊपर को या ऊंचा या एट द हाइट ऑफ मीन्स चरम सीमा पर ऊपर के लिए मतलब अप का मतलब क्या है ऊपर की ओर के लिए अप का यूज़ किया जाता है देखिए कैसे वह सुबह पाँच बजे उठा अब यहाँ पे ही अप एट फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग अब यहाँ पे ऊपर तो नहीं उठ रहा है बट ये क्या है गॉट अप एक फ्रेज की तरह यूज होता है ही गॉट अप एट फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग गेट गॉट है सो so, गॉट के साथ में कौन सा अप मतलब उठना ये ऊपर की ओर उठना नहीं लेकिन उठना है तो गॉट अप नेक्स्ट देखिए सोने की कीमत बढ़ रही है अब ये ऊपर तो नहीं बढ़ रही है बट कीमत बढ़ रही है मतलब इंक्रीजिंग द रेट सोने की कीमत बढ़ रही है सो so, कैसे ट्रांसलेट करेंगे द प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइजिंग अप ऊपर की ओर बढ़ रही है ऊपर की ओर मतलब ऊपर का मतलब आसमान की तरफ नहीं बढ़ रही है बट प्राइस जो है क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो द प्राइस ऑफ गोल्ड इज राइजिंग अप कीमतें बढ़ रही हैं नेक्स्ट है Next day, सोने की कीमत घट रही है अब सोने की कीमत बढ़ रही है राइजिंग अप अब घट रही है तो क्या बनाएंगे देखिए कैसे बनाते हैं द सेम सेंटेंस है तो सेम बनाएंगे द प्राइस ऑफ गोल्ड इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन अब यहां पे यूज ऑफ डाउन है डाउन का यूज किया गया डाउन का मतलब नीचे की ओर घटना ठीक है ग्लाइडर ऊपर जा रहा है ग्लाइडर ऊपर जा रहा है तो द ग्लाइडर Is, अभी क्या है ऊपर की ओर जा रहा है क्या जा रहा है ऊपर की ओर द ग्लाइडर इज गोइंग अप वेरी सिंपल सेंटेंस द ग्लाइडर इज गोइंग अप ग्लाइडर ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है नेक्स्ट देखिए सेंटेंस पैराशूट नीचे आ रहा है गाइस ट्राई करिए बनाने का पैराशूट नीचे आ रहा है द पैराशूट पैराशूट इज कमिंग डाउन कमिंग डाउन तो ये क्या है यूज ऑफ डाउन है समझ आया नेक्स्ट देखिए कृपया बैठ जाइए प्लीज sit डाउन हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको अपने कम्युनिकेशन में नेक्स्ट देखिए कृपया खड़े हो जाइए प्लीज स्टैंड अप प्लीज स्टैंड अप तो समझ आ गया होगा कि ये अप एंड डाउन का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं नेक्स्ट गैस देखिए ये जो अप एंड डाउन है ये कुछ फ्रेजेस में भी यूज होते हैं कैसे जैसे लिखा है अप एंड डाउन का मतलब है इधर उधर अप एंड डाउन का क्या मतलब है इधर उधर ये आप कह सकते हैं टू एंड फ्रो अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स का मतलब यहाँ पे क्या है उतार चढ़ाव लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आता है उतार चढ़ाव मतलब कुछ आ, मतलब ऐसा कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है ऑन द अप ऑन द अप से यहाँ मतलब है ईमानदार या सच्चा ठीक है अप विद विद का मतलब होता है उठाना या उभारना ठीक है अप विद ऊपर की ओर उठाना या उभारना देखिए जो डाउन है इसके भी अलग फ्रेजेज हैं लाइक बेंड डाउन का बें डाउन मतलब झुक जाना क्या करना झुक जाना या झुका हुआ आप कह सकते हैं ठीक है डाउन टू द दा ग्राउंड डाउन टू द ग्राउंड मतलब कंप्लीटली पूर्ण रूप से ठीक है डाउन टू द प्रेजेंट डे डाउन टू द प्रेजेंट डे मतलब होता है आज तक डाउन टू द प्रेजेंट डे मतलब आज तक टू गेट डाउन टू गेट डाउन का मतलब होता है उतर जाना नीचे उतर जाना बस से नीचे उतर जाना लाइक ठीक है तो ये जो है कुछ फ्रेजेस हैं जिसके साथ में अप एंड डाउन का यूज करते हैं सो गाइज दीज वर सम समीपोजिशन आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो आई मीट यू वेरी सुन न्यू वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू प्रिपोजिशन ऑल्सो सो That's it for today. I'll meet you next. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.